वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। गेट में से धक्का देके वापस ले आया क्या मान ली सर? हाथ जोड़ के बोल रहे थे सर, प्लीज सर, प्लीज जाने दो, नहीं जाने दिया सर आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, याद है किसका नारा है? दीदी का। तो लीजिए, आज एक बेटी लड़ रही है कांग्रेस शासित राज्य में अपने हालात से, अपनी सांसों से, दुष्कर्मियों से, प्रशासन से और आपकी चुप्पी से, लिबरांडो के दोहरेपन से और गिद्ध गैंग में बैठे मेंबर की अनदेखी से। और किस किस से लड़े एक बेटी? समाज से लड़े, आपकी कुव्यवस्था से लड़े, या आपके इन खोखले नारेबाजियों और बयानबाजियों से लड़े? जी हाँ, हाथरस में एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ था ना वो सही था और ना आज जो अलवर में एक बेटी के साथ हुआ है वो सही है। फर्क इतना है कि राज्य अलग है तो भावनाएं बदल चुकी हैं। एक के लिए आंखों में आंसू थे तो दूसरे के लिए मुंह तक मोड़ लिए गए। जी हाँ, राजस्थान अब कथित रूप से राज्य नहीं रहा बल्कि बेटियों के लिए नर्क बन चुका है, जहां से आए दिन रेप की खबरें सामने आती है पर दीदी के ट्विटर पेज पर इनकी कोई जगह नहीं, आंखों में कतरा आंसू तक नहीं और अब भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इसलिए बेटी हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगा रही है और एक बेटी अस्पताल में तड़प रही है। फिर भी नहीं कतरा क्योंकि हमारे हमारी दिक्कत है भाई, हमें प्रॉब्लम है, हमें मिलना है। बैठे मान ली ना आपकी बात तो साफ बैठे। अरे मान ली क्या? मान ली गेट में से धक्का देके वापस ले आया क्या? मान ली सर, हाथ जोड़ के बोल रहे थे सर प्लीज सर प्लीज जाने दो, नहीं जाने दिया सर आपने। अरे प्रियंका क्या कर रही है? दरअसल अलवर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता का मामला सामने आया और इस पर सियासत भी अब तेज हो गई। बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश की है और सवाल पूछे हैं। तो वहीं बीजेपी के एक डेलीगेशन ने जेके अस्पताल में जाकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिला के खिलाफ अपराधों में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में है, सरकार को अब जागने की जरूरत है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और दोषियों को फांसी की सजा मिले। प्रियंका गांधी जानवरों के वो देखना ज्यादा पसंद कर रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ूंगी कब? जब मेरी वोट की बात हो। और अगर वो बच्ची हमारे अल्पसंख्यक से होगी तो फिर मैं लड़की लड़ नहीं सकती, केवल और केवल जानवर और पशु पंछी देख सकती हूँ स्वाईमाधोपुर में रहकर। मुझे लगता है ये प्रियंका गांधी की सोच है हमारे प्रति। बता दें कि अलवर में मुखबधिर नाबालिग से गैंग रेप के बाद आरोपियों ने निर्भया की तरह लहूलुहान हालत में उसे सड़क पर फेंक दिया था और भाग निकले। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। कई डॉक्टरों की टीम ने पीड़िता का ऑपरेशन किया है जिसके बाद स्थिति कुछ स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि अलवर में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में तिजारा फाटक पुलिया पर रात करीब 8 बजे एक नाबालिग को कुछ लोग लहूलुहान हालत में पटक गए थे। इतना संगीन अपराध हुआ है और कांग्रेस की राज्य के एक नेत्री का बयान सुनिए। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि दरिंदा है, क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि अपराधी के कोई तिलक नहीं लगा है। यहाँ तिलक से मतलब क्या? अपराधी है तो कोई टोपी पहनकर या बुरखे में भी नहीं घूम रहा होगा। मैडम, अपराधियों के लिए जाति, धर्म और कर्म सिर्फ अपराध ही होता है, फिर जुबान पर तिलकधारी ही क्यों? और कमाल तो ये कि अलवर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलकर कार्रवाई की मांग रखने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो दीदी जी, कैसे लड़ेंगी लड़कियां और किस किस से लड़ेंगी लड़कियां जब कांग्रेस शासित राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वो आपके ट्विटर से नदारद है? कोई आवाज नहीं, वामपंथी खामोश है, गिद गैंग ने तो शायद मुंह ही फेर लिया हो। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब मिलेगा इस बेटी को इंसाफ और कब गुनहगारों को होगी फांसी की सजा? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।